अस्सलामुअलैकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। तो गालिबन शायद ये जगह आपने पहले भी देखी हो, लेकिन यहाँ पे सर्दी तो मतलब सर्दी का मौसम है। हाँ ये है कि बर्फ़ें आजकल नहीं हैं, तो जो पानी था ये वाला, ये बर्फ़ बन चुका था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, वो बर्फ़ पिघल रही है शीशे की मानिंद। जैसे ग्लास होता है शीशा वाइट, उसकी तरह ये बर्फ़ है। शायद आपको नज़र आ जाए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वो आहिस्ता आहिस्ता उसने पिघलना शुरू कर दिया। तो बड़े खूबसूरत सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखिए, ये पानी बन चुका हुआ है और थोड़ा सा मैं अपने कैमरे को आगे लेके जाऊंगा तो आपको बर्फ़ नज़र आएगी मोटी मोटी, जो बिल्कुल ग्लास की मानिंद है। ये परिंदों के लिए घर बनाया गया, बड़ा खूबसूरत सा, काफ़ी पुराना घर बनाया हुआ है, लेकिन इसको कलर वगैरह पेंट वगैरह करते रहते हैं हर सीज़न में। ये इन्होंने पिछली गर्मियों में ये पेंट किया था और अभी तक बरकरार है। शायद ये अब गर्मियाँ आए तो फिर दोबारा से इसको पेंट कर सकें। तो यहाँ पे आपको पानी पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये यहाँ पे बर्फ़ है। वो नीचे जो है वो पानी है सारा। ये देखें, आपको यहाँ से कोई चीज़ हिलती नज़र नहीं आ रही। जहाँ पे पानी है वो हिलता हुआ नज़र आएगा आपको। हवा चल रही है, हवा के साथ वो पानी हिल रहा है। और जहाँ पर नहीं हिल रहा वो समझ लें कि वाइट वाली बर्फ़ है, बिल्कुल ग्लास की मानित। ये टोटल ग्लास की मानित बर्फ़ है, इसे हम शीशा बर्फ़ कहते हैं, ग्लास बर्फ़ कहते हैं, शीशा बर्फ़ कह लेते हैं। इसके ऊपर से इंसान मतलब खड़ा नहीं हो, फिसल जाता है। जैसे ही आप कदम उठाएंगे इसके ऊपर, ये टूटेगी भी नहीं। काफ़ी मोटी है, ये बहुत मोटी है और ये टूटेगी नहीं। आप भी पानी में नहीं जाएंगे, नीचे पानी है, ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो आप इसके ऊपर अगर चलेंगे एक कदम भी, एक वो स्केटिंग वाले शूज़ होते हैं, अगर वो पहन के आप इसके ऊपर जाएंगे तो फिर तो आप स्केटिंग भी कर पाएंगे और चल भी सकेंगे। अगर उसके बगैर नॉर्मल शूज़ के साथ अगर आप इस पे जाएंगे तो आप उसी वक्त जो है ना गिर जाएंगे, सर के बल गिरेंगे आप। ये बैठने के लिए बेंच भी बने हुए हैं, चौरस बेंच है, गर्मियों में आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे बैठकर। ये देखें, ये बहुत मोटी बर्फ़ जमी हुई है, ये ग्लास मानित। ये रात को जलते हैं जी, इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं।
ये दरख्त के ऊपर उन्होंने पेड़ के ऊपर लगाए हुए हैं खूबसूरती के लिए, और रात को बड़ा ख़ूबसूरत नज़ारा होता है। ये लाइटें भी हैं जो रात को जलती हैं, इनका इन्होंने जो सर हैं वो ऊपर किए हुए हैं।